हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, दाल खिचड़ी। और ये बनाना बहुत ही आसान है। आप अगर एक बार इस तरीके से खिचड़ी बनाएंगे तो आपको बार बार इसी तरीके से बनाने का मन करेगा। और खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान है। सब्जी डालो, चावल डालो, दाल डालो और खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। बट उसमें भी कुछ ट्रिक और टिप्स हैं जिसे फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, एक टमाटर, एक प्याज, इसे मैंने लंबे स्लाइसेस में कटा है, पत्ता गोभी और फूल गोभी। मैंने इतनी सारी सब्जियाँ ली है। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ पीली वाली मूंग दाल आधी कटोरी, हरी वाली मूंग दाल मैंने आधी कटोरी, और चावल मैं यहाँ पे ले रही हूँ छोटे वाले। इससे खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कटोरी से थोड़ा सा कम। तो सबसे पहले चावल और दाल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चावल दाल सब ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से 2-3 पानी से हमें फ्रेश करके धो लेना है। तो लीजिए, मैंने चावल और दाल धो लिया है, अब मैं इसे साइड कर दे रही हूँ। और चलिए चलते हैं हम अपने मसाला सब्जियां भूनने की तरफ। तो मैं यहाँ पे कुकर में डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और इसे अच्छे से गर्म हो जाने दे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, हरी मिर्च, हरी मिर्च को थोड़ा सा चटकने दे। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज जो हमने लंबे स्लाइसेस में काटा है, और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो मैं इसे इस तरीके से एक बार चला दे रही हूँ। और फूलगोभी मैं यहीं पे ऐड करूंगी, क्योंकि प्याज के साथ फूलगोभी भी अच्छे से हमारी भून जाएगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर दें, थोड़ा सा प्याज के साथ फूलगोभी भी ब्राउन हो जाएगी और साथ में प्याज और गोभी दोनों अच्छे से भून जाएगी। तो मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी इन सब चीज़ों को अच्छे साथ मिला दें। और 2 से 3 मिनट इसे हमें इस तरह भून लेना है। अब इसे इस तरीके से मिला दें। देखिए, प्याज और गोभी हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी बाकी की सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पे डाला टमाटर और ये पत्ता गोभी। सब्जियाँ आप यहाँ पे, अगर आपको बीन पसंद है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, आलू पसंद है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, अपने पसंद से यहाँ पर सब्जी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दें। फिर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, फिर मैं इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। और ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐड कर दी हूँ सूखे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे किचन किंग मसाला या मीट का मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर दे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इस तरह से लगातार इसे चलाते हुए हमें भून लेना है मसालों को सब्जी के साथ। मैं इसे थोड़ा सा ढक दे रही हूँ 2 मिनट के लिए, मैंने ढक्कन पूरा बंद नहीं किया है। 2 मिनट बाद फिर मैं इसे अच्छे से एक बार मिला दे रही हूँ। और ये देखिए, हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ चावल और दाल। चावल और दाल को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ सब्जियों के साथ अच्छे से भून लेना है। तो बस इसी तरीके से लगातार मिलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट चावल को भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चावल और दाल हमारा अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी और यहाँ पे मैं ढक्कन लगा दे रही हूँ, और कम से कम 2 विसल आने तक मैं इसे पका लूँगी। तो देखिए, कुकर हमारा ठंडा हो गया है, कुकर का स्टीम रिलीज हो गया है। तो मैं इसे खोल ले रही हूँ और देखिए खिचड़ी कितनी अच्छी दिख रही है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी है। तो इसे एक बार मिक्स कर दे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ता, और अब फाइनल प्रोसेस करना है कि इसमें हमें लगाना है तड़का। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक तड़का पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। घी से ही खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा,
एक साबुत मिर्च। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च को तोड़ के डालें। मैंने यहाँ पे खड़ा ही डाला है क्योंकि मैंने खिचड़ी में लाल मिर्च तीखी वाली भी यूज किया है, हरी मिर्च भी ऐड किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही मिर्च डाल रही हूँ। तो तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चुटकी हींग। हींग को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है और गैस को मैं यहाँ पर कर रही हूँ बंद। और लीजिए, मैंने खिचड़ी को सर्व कर लिया। आप इसे दही, पापड़, अचार, सलाद किसी के भी साथ खाएं, यह बहुत ही टेस्टी लगता है। और तड़के को मैं डाल दे रही हूँ इसके ऊपर। आप तड़के को यूं ही डायरेक्ट खिचड़ी में भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे गार्निश के लिए डाल दे रही हूँ। और लीजिए, हमारी खिचड़ी, टेस्टी खिचड़ी तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।